शरद ऋतु आरंभ हो चुकी है और तिब्बती परिवार प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी देश के कई क्षेत्रों में अल्प समय के लिए आते हैं अपनी संस्कृति को लेकर, अपनी खास पहचान उन्हीं वस्त्रों को लेकर और देशवासियों की सेवा करते हैं, उन्हीं वस्त्रों को विक्रय कर तिब्बती परिवार काफ़ी अरसे से इस कार्य में लगे हुए हैं और जिलों की नगरी में करीब 56 परिवार ऐसे हैं कि जो प्रतिवर्ष यहाँ आते हैं और उन्हीं वस्त्रों का विक्रय करते हैं। शरद ऋतु का मौसम खाने पीने का और पहनने का है, बड़ा ही अनोखा और प्रेममय मौसम होता है। आप भी सुने, यहाँ तिब्बती बाजार में आने वाले लोगों का क्या कहना है। मौसम सुहाना हो गया है और शरद ऋतु शुरू हो गई है और सभी लोग शरद ऋतु से बचाव के लिए कोई ना कोई उपाय कर रहे हैं। कोई खान पीन का उपाय कर रहा है, कोई पहनने का उपाय कर रहा है। हम तिब्बतियन बाजार में हैं और यहाँ पर खरीदारी के लिए काफ़ी सारे लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कई सैलानी भी हैं, कई देसी भी हैं, कई विदेशी भी हैं और यहाँ पर खरीदारी के लोग उमड़ रहे हैं। विविध भांति भांति के वस्त्र खरीद रहे हैं और मौसम काफ़ी सुहावना हो गया। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जिस तरह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों के मन में भी काफ़ी उत्साह है। आप बताएं क्या क्या कहना चाहते हैं आप? हम तो इतना ही कहना चाहते हैं जी। ये रातें, ये मौसम, ये नदी का किनारा, ये चंचल हवा, दो दिलों ने के मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। उदयपुर शहर जिलों की नगरी में गुलाबी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और हम भी आज मौसम का लुत्फ उठाने के लिए मार्केट की ओर रुख कर चुके हैं और आशा है कुछ यहाँ से खरीद कर जाएंगे और इस सर्दी को और अच्छे से इंजॉय करेंगे। जी बताएं। सर ऐसा है, हमारा मार्केट लगे हुए अभी 1-2 महीने हो गए हैं तो हमारे पास काफ़ी तरह के स्वेटर्स हैं, जैकेट्स हैं, तो आज कुछ दिनों से कस्टमर का आना भी ज़्यादा हो चुका है शुरू, तो ठंड भी पड़ गई है अब 2-3 दिन से, तो वही है। जी सर, जिस तरह से देखा जा रहा है कि तिब्बतियन बाजार में काफ़ी मौसम ठंड होने की बावजूद भी गर्माहट है, लोगों की गर्माहट, खरीदारी की गर्माहट और गर्माहट, इसी गर्माहट में हम एक और गीत आपको सुनाएंगे। उदयपुर के बहुत ही बेहतरीन आवाज में गाने वाले ये कलाकार हैं दिनेश जी। आप बताएं क्या दूसरा नज़ारा क्या आप पेश करेंगे? जी बताएं जी। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम, आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, कोई मौसम। तो इसी के साथ में हम आपको दूसरी और भी लिए जाएंगे, जहां पर क्या खाने में क्या खास बन रहा है वो भी दिखाएंगे हम कि उदयपुर जिलों की नगरी में क्या मौसम का हाल है और क्या किस तरह से लोग बाग मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। हेमेंद्र श्रीमाली, उदयपुर।
तिब्बती परिवार शरणार्थी के रूप में भारत भूमि पर निवास कर रहे हैं, लेकिन ये परिवार भारत भूमि को अपनी मातृभूमि से भी ज़्यादा सम्मान देते हैं और इसकी वंदना करते हैं। प्रतिवर्ष देश के विभिन्न हिस्सों में जाकर ऊनी वस्त्र विक्रय करते हैं और नए नए रूप में, नए नए कलेवर में, नई नई डिजाइनों में ये वस्त्र यहाँ लाते हैं और लोगों को विक्रय करते हैं। क्या कहना है आप भी सुने। स्वेटर्स और शर्ट, पोंचो, नए डिजाइन के पोंचो सब कुछ लाए हैं। धन्यवाद। प्रतिवर्ष ये यहाँ आते हैं नए नए वस्त्र नए नए डिजाइनों में लाते हैं और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आम जन में ऐसे रम जाते हैं कि जैसे कोई अपना ही सहोदर हो। भारतीय पद्धति के तीज त्यौहार सभी मनाते हैं और पूरी तरह से सम्मान देते हैं। इस बार भी कई रंगों में, कई डिजाइनों में ये वस्त्र लाए हैं। भारतीय भी खूब पसंद करते हैं और वाजिब दाम पर सही जी बताएं क्या क्या रूप में ये बेचते हैं। 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ और दरअसल ये जैकेट वगैरह, ये स्वेटर वगैरह सब अच्छे लगते हैं और सही क्या, सबसे बड़ी बात ये कि एक फिक्स रेट रहती होती है इनके लिए, तो बार्गेनिंग का चांसेस कम रहते हैं। आप बताओ। अच्छा, ये सब बढ़िया चीज़ है यहाँ पर, अच्छी चीज़ मिलती है यहाँ पर, वेराइटी ज़्यादा मिल जाती है, वेराइटी अच्छी मिलती है, प्राइस भी अच्छा है सब। तिब्बतीयन धर्मगुरु दलाई लामा भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर अपना शांति का संदेश सुनाते हैं। मैं तिब्बतीयन मार्केट के तरफ से सभी कस्टमर को वेलकम करता हूं। अभी कुछ दिन से अभी हमारा ये मौसम भी काफ़ी शुरू ठंडा होना शुरू हो गया, इसके वजह से हमें भी खुशी है कि अब कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं और सब खुशी से अभी हमारा जो माल को अभी इंटरेस्ट काफ़ी दे रहे हैं। हमें भी उनको है ना बेस्ट क्वालिटी देने की कोशिश कर रहा हूँ। भारत देश के ही नहीं, विदेशी लोग भी यहाँ आते हैं और वे भी उनकी सेवा से प्रफुल्लित होते हैं। Contrinaine, la France. Yeah. Moi, je m'appelle Olivier. Yeah. Nathalie. And the first time to visit. And very nice market, nice town. Very, une belle ville et un beau marché. Mm-hmm. Voilà. Tata. Ah oh, oui, pareil. Je dis pareil. Je m'appelle Nathalie. On visite le marché tibétain. On est très content d'être là ce soir. On a visité une très belle ville aujourd'hui, voilà, et on repart demain matin. जी बताएं क्या कहना है। सर्दी का मौसम चालू हो गया है तो यहाँ तिब्बती बाजार में बहुत सारे वैरायटी सर्दी के लिए हम खरीदने आए हैं और बहुत अच्छी अच्छी वैरायटी है, फिक्स रेट पे है और सारी क्वालिटी अच्छी है। बहुत सारी पब्लिक आई हुई है सर्दी की खरीदारी करने। तिब्बती परिवार काफ़ी हिल मिल कर यहाँ रहते हैं और सफाई स्वच्छता में भी इनका काम, इनका स्थल नंबर 1 है।
थोड़ी ज़्यादा है तो कस्टमर अभी आ रहे हैं। पहले सर्दी वगैरह कुछ नहीं थी तो ऐसे ही मतलब बैठना पड़ता था, पूरे पूरे दिन बोर हो जाते थे, नींद आती थी, पर हम तो अब फ्रेश हो गए, एक्टिव हो गए हैं क्योंकि कस्टमर ज़्यादा आ रहे हैं, तो अच्छा भी लग रहा है हमें सबसे बात करके, मतलब फ्रेश रहता है, अलग अलग आदमी से बात करना मतलब अच्छा लगता है। थैंक यू। तो यहाँ 20 सालों से आ रहे हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग है और क्वालिटी भी अच्छी है और दाम भी जो फिक्स है वो एकदम वाजिब है और हम उनको देख के बहुत पसंद हुए, अच्छा है, मतलब व्यवस्थित, बहुत व्हीकल के लिए सब घूमना फिरना एकदम बहुत वेरी गुड है। तिब्बती परिवार केवल वस्त्र विक्रय तक ही अपने आप को सीमित नहीं रखते हैं और ये सभी परिवार जन सेवा में भी सबसे आगे रखने का मादा रखते हैं। राजस्थान के आदिवासी इलाकों में इन्होंने करीब 30 लाख रुपए के वस्त्रों का वितरण निशुल्क रूप से किया है। पूर्व गृह मंत्री एवं वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, विधायक फूलसिंह मीणा, जिला कलेक्टर विष्णु चरण मलिक ने भी इनकी सराहना की है और जिला स्तर पर इन्हें सम्मानित भी किया है। चहल पहल है, एक बजे आप चलेगा थोड़ा बहुत ठंडा आएगा, बजे का अभी थोड़ा नरम नरम है। सर्दी के और भी जो कवायद हो रही हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे अगले एपिसोड में। कॉटन पैराशूट लेदर पचेगा सब कुछ है यहाँ।